गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच जीके। जीके में मैं आज आप लोगों को एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताऊंगी। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जलीय जानवर। एक्वेटिक मीन्स जली, एनिमल्स मीन्स जानवर। जलीय जानवर मीन्स जल में रहने वाले जानवरों के नेम। ये देखिए आपके बुक में ये जो फिगर बने हुए हैं वो एक्वेटिक एनिमल के हैं, यानी कि जो जल में रहते हैं उनके। तो देखिए फर्स्ट आपका है शार्क। यह एक तरह की फिश है और इसका नाम है शार्क। यह है ऑक्टोपस। यह क्या है? ऑक्टोपस। इसकी आठ भुजाएं होती हैं। और यह है सील। यह है सील। ये भी पानी में ही रहता है। यह है सी हॉर्स। सी हॉर्स मीन्स समुद्री घोड़ा। यह है सी हॉर्स। यह है स्टार फिश। स्टार फिश मीन्स तारा मछली। ये भी एक मछली है, इसको स्टार फिश। ये इसका, क्योंकि ये इसका आकार जो होता है वो स्टार की तरह होता है, इसलिए इसको स्टार फिश कहा जाता है। ये है प्रॉन। प्रॉन मीन्स झींगा। यह है झींगा मछली, इसे लोग खाते हैं। यह है डॉल्फिन। ये देखेंगे आप समुद्र मुद्र में ये ऊपर बहुत लंबा लंबा छलांग लगाता है। ये भी एक तरह की फिश है, डॉल्फिन। ये है व्हेल। ये भी एक प्रकार की फिश है। क्रैब। क्रैब मीन्स केकड़ा। ये भी बहुत से लोग खाते हैं, इसको भी खाने में यूज किया जाता है। यह है केक क्रैब। लोबस्टर। ये भी झींगा की एक प्रजाति है, लोबस्टर। स्नैल। स्नैल मीन्स घोंघा। यह है स्नैल। यह है ग्रीन टर्टल। ग्रीन टर्टल मीन्स हरा कछुआ। यह है हरा कछुआ, इसको बोलते हैं ग्रीन टर्टल। यह है जेली फिश। ये भी पानी में ही रहता है, ये भी जेली फिश है। टॉर्टोइज। टॉर्टोइज मीन्स कछुआ। इसकी जो है वो कवच जो होता है, इसका सेल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, और ये रोड पे चलता भी है। देखा होगा आपने ये ना, ये रोड पे भी चलता है और पानी में भी रहता है। कछुआ खरगोश का कहानी आपने सुना होगा। तो ये है टॉर्टोइज। ये है वालरस। क्या है ये? वालरस। फिर से शार्क, ऑक्टोपस, सील, सी हॉर्स, स्टारफिश, प्रॉन, डॉल्फिन, व्हेल, क्रैब, लॉबस्टर, स्नैल, ग्रीन टर्टल, जेलीफिश, टॉर्टोइस एंड वालरस। तो देखिए इस बुक में आपके क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है आपका विच एक्वाटिक एनिमल्स लुक लाइक ए स्टार। कौन सा जलीय जानवर स्टार की तरह देखने में लगता है? तो कौन सा लगता है? स्टार फिश। स्टार फिश देखिए, ये स्टार की तरह देखने में लग रहा है ना, तो ये स्टार फिश जो है वो लुक लाइक स्टार की तरह है, तो ये स्टार फिश। सेकेंड क्वेश्चन है आपका विच एक्वेटिक एनिमल कैन वॉक ऑन द रोड। कौन सा जलीय जानवर जो है वो रोड पे चल सकता है? तो कौन सा? टर्टवाइज। टर्टवाइज जो है वो रोड पे भी चल सकता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका विच एक्वेटिक एनिमल हैज ए हार्ड सेल। किस जलीय जानवर का जो सेल होता है यानी कि कवच, वो हार्ड होता है? तो किसका? टर्टवाइज का। टर्टवाइज का जो ये जो बॉडी होता है, इसके ऊपर का ये जो सेल होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो ठीक है बेटा, अब आप इसमें से हम लोग कुछ अपने कॉपी में इसके नेम लिखते हैं। आइए सबसे पहले देखिए कॉपी में हम लोग क्लास वर्क डालते हैं, आज का डेट लिखते हैं, और ये आपका हेडिंग हो गया एक्वेटिक एनिमल। तो आइए हम लोग फर्स्ट नेम लिखते हैं। क्या है पहला? शार्क। एस एच ए आर के, ये हो गया शार्क। नेक्स्ट है आपका एस ई ए एल, सील। नेक्स्ट पी आर ए डब्लू एन, प्रॉन। नेक्स्ट आपका डब्लू एच ए एल ई, वेल। ये हो गया। नेक्स्ट आपका एस ई ए सी और एच ओ आर एस ई, सी हॉर्स। और लास्ट एस टी ए आर स्टार एफ आई एस एच, फिश,
स्टार पीस। देखिए एस एच ए आर के सार एस ई एल सी ई आर ई डब्ल्यू एन प्रॉन डब्ल्यू एच एल ई वेल एस ई एच ओ आर एस ई सी हॉर्स और एस एच टी ए आर एफ आई एस एच स्टार फिश। ये कॉपी में आप लोग स्पेलिंग को लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।